दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। आज के दिन यानी कि 16 जून 2023 के दिन हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। ये मीटिंग इन्वेस्टर मीटिंग थी जिसके अंदर सुजलॉन एनर्जी के डेब्ट को यानी कि कर्ज को कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी के अंदर बड़े इन्वेस्टर से मेरा मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से अगेन काफ़ी बड़ी खरीदारी स्टार्ट कर दी गई है। और कल के कंपैरिजन में सुजलॉन के अंदर जो वॉल्यूमस काम था उसमें भी काफ़ी बड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कल के दिन जो विंड एनर्जी को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आए थे उसमें एक और बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करते हैं वन बाय वन। वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन सुजलॉन एनर्जी की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो आज के दिन सुजलॉन एनर्जी की शेयर प्राइस हमें 14.55 रुपये पर ओपन होते हुए देखने को मिलती है। शेयर 15.15 रुपये का हाई बनाता है। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन ने आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लगभग 1.7% की पॉजिटिव क्लोजिंग सुजलॉन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। वहीं पिछले एक साल में अभी भी शेयर 107% के मुनाफे के साथ देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 दिन में यानी कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पूरा हमें यहां पर फ्लैट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर आज के दिन अगर आप वॉल्यूम बेस्ड काम को एनालिसिस करेंगे तो वो काफ़ी शानदार रहा है। जहां कल के दिन सुजलॉन के अंदर सिर्फ 22 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, आज के दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो बाइंग है वो अगेन स्टार्ट कर दी गई है। जिस कारण से सुजलॉन के अंदर आज के दिन हमें 34 करोड़ क्वांटिटी एनएससी और बीएससी पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। तो कल के दिन कंपनी ने एक प्रेस रिलीज इशू करी थी जिसमें कंपनी ने बताया था कि नुआमा वेल्थ के साथ में 16 जून 2023 यानी कि आज के दिन सुजलॉन एनर्जी की एक इन्वेस्टर मीट हमें देखने को मिलने वाली है। और इस इन्वेस्टर मीट के अंदर सुजलॉन एनर्जी जो अपने डेप्ट रिडक्शन का प्रोग्राम चला रहा है, जो अपने कर्ज को कम करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यूसली बड़े स्टेप्स उठा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर हमें ये जो मीटिंग है वो देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस इन्वेस्टर मीट के आउटकम्स आना अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि सुजलॉन को नुआमा वेल्थ की तरफ से एक बड़ा फाइनेंशियल जो इश्यूज था वो सॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट सुजलॉन को मंडे के दिन मिलने वाला है। वहीं आज के दिन विंड एनर्जी एडॉप्शन को लेकर 3 सबसे बड़े स्टेट सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये तीनों नाम हमें बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर विंड एनर्जी को काफ़ी बड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी बड़ी है। साथ ही साथ विंड एनर्जी कुड सपोर्ट इंडियाज डीकार्बोनाइजेशन जर्नी, तो हमारी जो गवर्नमेंट जो टारगेट यहाँ पर लेकर चल रही है उस टारगेट को पूरा करने के लिए विंड एनर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। साथ ही साथ जो हम 2030 का 100 गीगावाट का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर साल 30 गीगावाट से जो विंड एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। यानी कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट विंड एनर्जी को एक्सपांड करने के लिए जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीए की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई है उसको सीरियस ले सकती है और विंड एनर्जी को लेकर कुछ और सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट सुजलॉन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज के दिनों में कुछ बड़ी बल्क डील होते हुए देखने को मिली, जहाँ पर सुबह 9:17 पर 27 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई जिनकी वैल्यू अराउंड 4 करोड़ रुपये बनती है। अगली खरीदारी हमें 9:27 पर देखने को मिली जहाँ पर सुजलॉन के 50 लाख शेयर्स खरीदे गए जिनकी वैल्यू अराउंड 7 करोड़ 56 लाख रुपये बनती है। उसकी अगली बल्क डील हमें 9:47 पर देखने को मिली जहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के 26 लाख शेयर्स खरीदे गए जिनकी वैल्यू अराउंड 3 करोड़ 86 लाख रुपये बनती है। उसके बाद में अगली बल्क डील हमें 11:41 पर देखने को मिली जहां पर सुजलॉन के 30 लाख शेयर्स खरीदे गए जिनकी वैल्यू अराउंड 4 करोड़ 57 लाख रुपए बनती है। अगली बल्क डील हमें 2:10 पर देखने को मिली जहां पर सुजलॉन एनर्जी के 29 लाख शेयर्स खरीदे गए जिनकी वैल्यू अराउंड 4 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है। ये कुछ बड़ी बल्क डील आज के दिन हमें सुजलॉन के अंदर देखने को मिल रही है।
ओवरऑल अगर आपने सुजलॉन के अंदर खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म पर्पस, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं और 18 रुपये तक का टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म पर्पस से खरीदारी करी है तो यहाँ पर आप शेयर्स को टेक्निकली एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप ट्रेड ब्रेंस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड ब्रेंस पोर्टल की साइनअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ आप इनके प्रीमियम वर्जन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, जिस पर 20% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।